नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रमा जादौन और खबर औरैया से है। अवैध असला फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, पुलिस अधीक्षक सुनीति के निर्देशन एवं पुलिस उपाधीक्षक मुकेश प्रताप सिंह के पर्यवेक्षण में कोतावली प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह राठौर के नेतृत्व में अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान में विधुना पुलिस ने अवैध असला बनाने वाले दो शातिर अपराधियों को धर दबोचा। कोतावली पुलिस के उप निरीक्षक पवन कुमार यादव, उप निरीक्षक मनीष कुमार, उप निरीक्षक दिनेश कुमार शर्मा, हमराही सिपाही विजय राज गुप्ता, राहुल द्विवेदी, अनिवेश शर्मा की टीम ने कोतवाली क्षेत्र के ग्राम धनवाली और कुसमरा के बीच जंगल में एक अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दो लोगों को निर्मित अवैध असलाओं एवं असला बनाने के उपकरणों सहित गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे जहां भेज दिया है। वहीं दो लोग मौके का फायदा उठाकर भाग गए। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों का औरैया, कन्नौज, मैनपुरी, फरुखाबाद, इटावा आदि जनपदों में आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है। ये जोर दिया जा रहा था कि त्यौहार पास में है और जो अवैध तरीके से असलाही बनाते हैं कुछ इस तरह की फैक्ट्री पर नजर रखी जाए। इसमें हमने अपने मुखबिर लगा दिए थे, एक सूचना आ रही थी कि चार व्यक्ति एक असलाह व्यक्ति अवैध असलाह फैक्ट्री को संचालित कर रहे हैं। जगह बदल बदल के वो अपना काम कर रहे थे। फिलहाल कुछ दिनों से हमने अपने बंदों को लगाए थे सादे में, तो कुसुमरा और दुरुगंज क्षेत्रों पड़ता है, कुसुमरा और धनवारी के जंगलों में ये कुछ व्यक्तियों के छुपकर के वहाँ पर असला फैक्ट्री चलाने की सूचना पिछले एक हफ्ते से आ रही थी। छोटे छुपे हमने अपनी सारी में टीम लगाई थी, एसआई पवन कुमार और इंस्पेक्टर और उनकी टीम जो लगभग 6 लोगों की टीम थी, इसको निकट मॉनिटरिंग की जा रही थी। तो कल डेढ़ के आसपास ये सूचना मिली कि यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर और मौके पर पहुँचा जाए तो मिल भी सकता है। इस सूचना पर हमने घेराबंदी करी और हम जब वहाँ पर जंगलों में वहाँ पर गए तो वहाँ पर खटपट की आवाज़ सुनाई पड़ी और यार एक आदमी वहाँ खड़ा खटपट की आवाज़ सुनाई थी, जिस पर कि हम लोगों ने मौके पर जाकर के देखा पूरी टीम में, तो वहाँ पर दो व्यक्ति जिसका नाम अवधेश कुमार और गुड्डू जाटव, उनको पकड़ा गया। इनको इनके पकड़े जाने पर इनकी निशानदेही पर वहाँ पर जो अर्धनिर्मित सामान था, जो असल इसमें जो तैयार कट्टे थे जिनकी संख्या 4 थी, कुछ अर्धनिर्मित जो कि मेकिंग के प्रोसेस में थे, साथ ही इनका जो साजो सामान था आरी तवे के टुकड़े जिससे काट करके वो उसका फर्मा सेट करते थे, नाल बड़े पाइप जिससे काट के उसकी कट्टे की जो है छोटे कट्टे या बड़े रजिया के जो है नाल तैयार करते थे, वो सारी चीजें मौके से बरामद की गई। कारीगर और ये सारे जो दोनों व्यक्ति हैं दोनों ही कट्टा बनाने में पारंगत हैं। देखिए आपकी फेंसिंग इतनी अच्छी है। और इनके इन्होंने बताया कि दो व्यक्ति इनके साथ में और थे, कन्हैयालाल शर्मा और नगीना यादव, ये मौके से फरार होने में सफल हो गए घने जंगलों की तरफ। तो दो व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई है और जो सामान हमने बरामद किया है उसमें आप नोट कर लें, 4 अदद देसी तमंचा 315 बोर, 5 मिस कारतूस विभिन्न बोर के, जो कि वो डाल के देखते थे, चेक करते थे कि नाल की क्या सही स्थिति है कि नहीं, उसको चेक करते थे। अर्धनिर्मित तमंचे और शस्त्र बनाने के कई उपकरण मिले हुए हैं, जिसमें कि भट्टी है, पंखा है, आरी है, तो काटने वाले उपकरण है, छेद करने वाले उपकरण है, ये सब आपके इसमें पैक किए गए, हथौड़ियां हैं, तो काफी ढेर सारा सामान था। ये बड़ी अवैध फैक्ट्री थी जिसको जगह बदल बदल के संचालित करते थे और इनसे पूछताछ में ये पता चला है कि इन्हीं